हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक, और देखते हैं अगला वाला टॉपिक हमारा आज का क्या रहेगा। ये जो पर्टिकुलर सेशन है आपका डिस्क्रिप्टिव वाला, ये पर्टिकुलर क्लास आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बैंकिंग की बात करो, चाहे SSC की बात करो, या फिर आप स्टेट PSC, UPSC, एनी एग्जामिनेशन जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, जस्ट अटेंड दीज क्लासेस। 4 या 5 क्लासेस ही हम रखेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। और सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो क्लास देख लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम, सही वाले टेलीग्राम पे जुड़िए। फिर से एक बार आपसे कहेंगे, फेक वाले अकाउंट पे मत ऐड होइए, वरना फिर आपको क्लास के लिंक्स नहीं मिल पाते हैं और आप क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो जो करंट अफेयर्स के नाम से एक आपको मिलता है, या तो आप उस पर ऐड हो जाओ, करंट अफेयर्स बाय कृति, अदरवाइज कृति करंट अफेयर्स ऑफिशियल के नाम से बना हुआ है, आप उस पर ऐड होइए, जिसके ऊपर कोई फोटो वोटो डीपी वीपी ना लगी है। उस पर आपको हर एक क्लास का लिंक मिल जाता है। अभी 6:45 AM शार्प करंट अफेयर्स का क्लास होगा, जहाँ पे फोकस किया जा रहा है आपके करंट पे, जो आपके हर एग्जाम को कवर करेगा। और लास्ट के 10 मिनट में कोई ना कोई टॉपिक आपको रिवीजन के लिए कराया जा रहा है। इसके बाद में स्पेशल क्लासेस जो आपके हैं, वो आपके 3 चल रहे हैं, जिसमें से ये ध्यान दीजिएगा, ये शाम को 4 बजे जो है ये स्टैटिक GK चल रहा है। चाहे तुम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तुम्हें पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो ये थ्योरी क्लास है। यहाँ पे पॉलिटी चैप्टर वाइज चल रहा है, यहाँ पे साइंस के क्लासेस हो रहे हैं, तो डोंट मिस दैट, दे आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए सेशन को लिंक को एक बारी से लाइक और शेयर मारिएगा। और हमारा आज का जो टॉपिक है, दैट इज करतारपुर कॉरिडोर, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है। आप सबको पता है कि एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। इस बार क्यों पूछा जा सकता है, पहले तो यही जानो। देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि गुरु नानक देव जी की जो अभी जयंती हुई थी, वो आप सबने देखा था, राइट? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलो कि इनकी कौन से नंबर की जयंती इस बार सेलिब्रेट करी गई है। अब करतारपुर कॉरिडोर जो है, इसको बीच में बंद कर दिया गया था, जब पुलवामा अटैक्स हुए थे, जब ऑपरेशन बंदर चलाया गया था, उस टाइम पे इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, अभी फिर से एक बार इसको स्टार्ट कर दिया गया है, और इसकी शुरुआत जो है वो 9 नवंबर को करी गई, क्योंकि गुरु नानक देव जी की जो जयंती थी वो आपको 19 नवंबर को देखने को मिली। तो आइए ज़रा जानते हैं कि यहाँ पर अगर ये टॉपिक आता है तो करतारपुर कॉरिडोर या फिर इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। मैंने जो दूसरी वाली लाइन बोली है, आई थिंक उसकी डेफिनेशन मुझे खुद को नहीं पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशंस को कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये वैसी वाली बात है ना। वो खाइए हाजमोला कैंडी, हाजमोला नहीं, हाजमोला कैंडी खाई बचपन में, होती है ना कभी कभी थोड़ी सी मीठी सी, कभी कभी थोड़ी सी खट्टी सी, वैसे वाले होते ना, बिल्कुल वैसे ही वाले हमारे रिलेशंस भी हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या यहाँ पे पॉइंट्स बना सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप इंट्रोडक्शन की शुरुआत करेंगे तो करतारपुर कॉरिडोर के बारे में जितनी कहानी मैंने अभी आपको बताई है कि कब शुरू हुआ, कब बंद हुआ, फिर ये सब आपको लिखना है, तो थोड़ा सा पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, इंडिया पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, और अगर हम इस एग्रीमेंट की बात करें तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ था जब उस समय पर वैलिड कितने टाइम के लिए रखा गया था, इसको 5 सालों के लिए। और ये जो करतारपुर कॉरिडोर है, अगर हम इसकी बात करें तो ज़रा यहाँ पर देखो, एक इमेज भी हो, ये देखिए, ये है करतारपुर कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर एक रास्ता बनाया गया है, और ये जो रास्ता बनाया है, यहाँ से क्या होगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे। और ये जो दूसरी जगह है, ये क्या बना हुआ है, सिख लोगों के लिए एक क्या है, होली प्लेस है, यहाँ पर लोगों को जाने का मौका मिलेगा। अच्छा, करतारपुर कॉरिडोर की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से ज़रा ध्यान दीजिएगा जो आपके की पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, समझना। करतारपुर कॉरिडोर जो है, इसकी जब शुरुआत करी गई तो इसको बोला गया फ्रेंडशिप कॉरिडोर। तो आपको शुरुआत जो करनी है ना, वो दोस्ती से ही करनी है, समझ गए, क्या है, फ्रेंडशिप कॉरिडोर। सेकेंड पॉइंट, इसको स्टार्ट किया गया था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ताकि पंजाब के अंदर जो लोग रहते हैं वो लोग आराम से आ सकें, कहाँ पर, करतारपुर नाम की जो जगह बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर, और अपनी पूजा अर्चना कर सकें। इसके बाद में करतारपुर कॉरिडोर का जब शुभारंभ किया गया था, तो खुद मोदी जी वहाँ पर गए थे, और
अभी क्या हुआ है, दोबारा से इसकी शुरुआत करी गई है, और ये दोबारा से कब शुरू हुआ, 9th of November 2021 को, क्योंकि अभी रिसेंटली गुरु नानक देव जी की जो जयंती थी उसको सेलिब्रेट किया है हमने, कब, 19th of November को सेलिब्रेट किया गया। तो यहाँ से आपकी कहानी की शुरुआत होगी, ठीक है, ये स्टार्टिंग हो गई। अच्छा, स्टार्टिंग के बाद में देखो क्या लिखना है आपको, द पैक्ट कुड बी सस्पेंडेड इन द केस ऑफ द, यहाँ पे जब इस पैक्ट को साइन किया गया था तो इसमें एक बात कही गई थी कि ये जो पैक्ट है इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो इसके अंदर कैसा भी बदलाव किया जा सकता है अगर यहाँ पे कोई वॉयलेशन होता है तो। मतलब हमें पहले ही पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, और डेफिनेटली ऐसा हुआ, पुलवामा अटैक्स हुए और पुलवामा अटैक्स के बाद में ये जो कॉरिडोर था इसको बंद कर दिया गया। ये जो कॉरिडोर है ये बना हुआ है कौन सी नदी के ऊपर, रावी नदी के ऊपर ये बना हुआ है, और रावी नदी को हम किस नाम से जानते हैं, रिवर ऑफ लाहौर के नाम से भी इसको जाना जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर ऑफ लाहौर के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, अगला पॉइंट, पाकिस्तान की अगर हम साइड की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको जो गुरुद्वारा देखने को मिलता है वहाँ पे लंगर वगैरह, मैंने कहा ना पूजा अर्चना करने के लिए इस वाली जगह को बनाया गया। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है ये सबसे इम्पॉर्टेंट किसके लिए है, सिखिज्म के लिए है, ताकि दोनों देशों के बीच में देखो प्यार मोहब्बत तो वैसे भी नहीं हो सकती, कम से कम रिलीजन के बेसिस पे चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए। तो ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट रहेगा, ठीक है। अब आइए मेन बॉडी के पार्ट पे, जब आप मेन बॉडी के पार्ट पे आएंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या आएगा, वो होगा कि भैया कैसे यहाँ पर हमें अपने सेक्शन को बेटर बनाना है। दो चीज़ें हैं, करतारपुर कॉरिडोर से आपको इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती को दिखाना है, समझिएगा टॉपिक को समझना। अच्छा, अब ये क्या करेगा, दरबार साहिब गुरुद्वारा कहाँ, पाकिस्तान के अंदर, इसको ये क्या करेगा, जोड़ेगा किसके साथ में, डेरा बाबा नानक श्रिंग जो कि कहाँ है, इंडिया के पंजाब के अंदर, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वीज़ा फ्री मूवमेंट, क्या है ये, वीज़ा फ्री मूवमेंट है। अब हम आते हैं मिड टॉपिक पे और ज़रा देखते हैं कि मिड टॉपिक पे हम क्या क्या लिखेंगे, यानी कि ऐसे की बॉडी के पार्ट पे हम क्या लिखेंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि करतारपुर कॉरिडोर जो बनाया गया ये रिलेशंस को बेटर करने के लिए बनाया गया, किसके रिलेशंस को बेटर करने के लिए, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को बेटर करने के लिए। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे बनाओगे कि ये जो करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत हुई थी हमने यही सोचा था कि जो हर बार सीज फायर की प्रॉब्लम आती रहती है इसको हम प्रॉपरली कंट्रोल कर पाएंगे, और दोनों देशों के बीच में धार्मिक आधार पर जो दोस्ती है उसको और भी ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। अगला पॉइंट क्या था, ये जो प्लेस है ये प्लेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, सिखिज्म के लिए, लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान क्या करता है, ये पॉइंट आनी है, मतलब ये पॉइंट आना है कि अगर हम देखें तो पाकिस्तान क्या करता है, ये पॉइंट आपको मेंशन करना है। तो ये तो हमारे इनिशिएटिव्स थे जो हमने लिए अपने रिलेशंस को बेटर करने के लिए, लेकिन दूसरे साइड पर अगर हम बात करें तो व्हाट पाकिस्तान डिड, पाकिस्तान की जब हम बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा प्यार से बात कर लेते हैं, आजकल इनके साथ वैसे भी प्यार से कोई बात नहीं करता, चाइना भी नहीं। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इनकी हरकतें कम होने की वजह और ज़्यादा बढ़ गई। आप सबको मालूम है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था, गुजरात की एक शिप थी जिसके ऊपर कुछ मछुआरे वगैरह थे उनके ऊपर गोलीबारी चलाई गई थी, आपको मालूम ही होगा। सेकेंड पॉइंट आपने देखा कि जो पाकिस्तान है ये अभी रिसेंटली इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, और इन्होंने IMF से लोन लेने की बात भी कही है, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने एक और कांड कर दिया। क्या कांड किया था इन्होंने, कांड ये किया कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में अभी जो सामान जाना था जब उसको क्रॉस करने की बात आई तो वाघा बॉर्डर के ऊपर इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, लेकिन वो बात अलग है कि रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, लेकिन अभी इन्होंने बोल दिया है कि दिस इज़ अलाउड। तो कहानी यहाँ पर ये है कि करतारपुर कॉरिडोर को हमने स्टार्ट तो इसलिए किया था कि दोस्ती बेहतर हो सके, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, पहले ये कांड करते हैं उसके बाद में मनाते हैं, फिर कांड करते हैं फिर मनाते हैं, तो इस तरीके से हमारी जो पूरी साइकिल है ना वो आपको इस तरीके से देखने को मिल रही है। तो आप बॉडी के सेक्शन में इन पॉइंट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या ऐड ऑन करोगे, इसके अलावा अगर आप देखें तो बॉडी के पार्ट पे आप लिख सकते हो कि
पाकिस्तान का और इंडिया का जो बॉर्डर है, जहाँ पे आपको बलूचिस्तान या आप कह लो पीओके वाला जो एरिया है, इन्होंने भी अपनी यहाँ पे सरकार को स्थापित कर दिया, जबकि इंडिया ने मना किया था कि ऐसा कुछ मत करिएगा, बट देन टू दे डिड इट, इन्होंने इस चीज़ को किया। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे किसके बारे में, सीपेक कॉरिडोर के बारे में। सीपेक कॉरिडोर ये वो कॉरिडोर है जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, और कहा गया था कि ये जो कॉरिडोर जाएगा, यानी कि जो रास्ता जाएगा, ये पीओके के एरिया से क्रॉस मत करवाइए, लेकिन फिर पाकिस्तान ने बात नहीं मानी। तो पाकिस्तान के लिए यहाँ पे 5 पॉइंट मैंने आपको बताए जो आप मेन बॉडी के सेक्शन में लिख सकते हो, और जब हम इसका कंक्लूजन करेंगे, क्योंकि भैया कंक्लूजन तो हमें और बेहतर करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पाकिस्तान का एंड करना है ना, आई मीन टू से पाकिस्तान के टॉपिक का एंड करना है, तो पाकिस्तान के टॉपिक के जब हम कंक्लूजन पे आएंगे तो क्या लिखोगे। देखो, इंडिया जो है वो हमेशा कोशिश करता है कि जो हमारे रिश्ते हैं वो इनके साथ में फ्रेंडली हो जाएं, बट पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई भी इनिशिएटिव नहीं आता है। दूसरा पॉइंट समझिएगा, इंडिया जो है इसने काफ़ी सारी चीज़ों को फोकस किया है यहाँ पर, जहाँ फोकस किया गया है पी टू पी क्या है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, पी टू बी यानी कि बिजनेस टू बिजनेस यानी कि ट्रेड करते हुए, और जी टू जी यानी कि गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा क्या दूसरे देश की गवर्नमेंट के पास में लाने की, लेकिन इसमें से कोई भी चीज़ हमारे लिए वर्क नहीं करी, क्योंकि हम तो करना चाहते हैं बट पाकिस्तान इज नॉट इंटरेस्टेड, तो ये सब भी काम नहीं किया। अब करतारपुर कॉरिडोर दोबारा से जो शुरू किया गया, तो उम्मीदें ये करी जा रही हैं कि यहाँ पे अब कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि अगर अब फिर से कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो एक बार ये फिर से बंद हो जाएगा, जिससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होती है, श्रद्धालुओं को होती है। एक आखिरी पॉइंट आप इसमें और जोड़ सकते हैं कि इन सब क्राइसिस के बीच में जो सबसे ज़्यादा पिसता है वो कौन है, दैट इज़ कॉमन पर्सन, एक आम आदमी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे करतारपुर कॉरिडोर के साथ में ले जा सकते हो। मैंने आपको मैक्स टू मैक्स सारे पॉइंट्स बता दिए हैं जिनको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और अपने आंसर को बेटर बना सकते हो, ठीक है। कोशिश करना कि हर पॉइंट को आप लिख पाओ, क्योंकि जब तक आप रिलेशंस को प्रॉपरली डिफाइन नहीं करोगे तब तक, और हाँ सबसे बड़ी बात ये, एग्जाम्पल्स को अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो आपका आंसर अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए अभी आपसे मिलते हैं 6:45 पे। इसके अलावा आपका पेड बैच 22 तारीख से नया स्टार्ट होगा, अगर आप 1 तारीख से ज्वाइन नहीं कर पाए थे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बैच है, जिसके अंदर जीएस मैथ इंग्लिश रीजनिंग आपको 6500 में मिलती है, बट अगर आप कोड यूज करते हैं प्रति 10, तो ये बैचेस आपको कितने में मिलते हैं, इसका अमाउंट 10% कम, स्पेशल क्लास के पॉइंट्स को ऐड कर दीजिए अमाउंट और कम, करीबन जाके इसके आसपास ये आपका अमाउंट बनता है, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। रेज योर हैंड एंड रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन अनअकैडमी पे अवेलेबल है। अब आपसे मिलते हैं 6:45 AM शार्प। मुझे बताना कि क्या इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस वीडियो के, कि आप लोगों ने आंसर लिखना स्टार्ट किया एंड आप पॉइंट्स को लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, जस्ट लेट मी नो, ठीक है। चलिए टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।